हेलो, वेलकम टू एक द होम फूड्स। तो आज ना हम ऐसी एक बढ़िया सी बहुत क्विक एंड फास्ट एंड न्यूट्रिशियस डिश बनाएंगे, जस्ट वन पॉट न्यूट्रिशन फॉर द पीपल हु आर डाइटिंग और दे जस्ट लव टू ईट फूड ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग मिनरल्स होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिंस होते हैं इन सब सब्जियों में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सब्जियां मैंने यूज करी हैं। आप देख सकते हैं इसमें मशरूम है और ब्रोकली है, बीन्स है, कैबेज है, बहुत सारी चीजें मैंने यूज करी। आप मेरी रेसिपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड इट इज वेरी क्विक एंड फास्ट। जैसा कि कहते हैं कि जब डाइट करो आप या फिर नॉर्मल डे टू डे जो आपका फूड होता है उसमें यू मस्ट ऑलवेज इंक्लूड लॉट ऑफ कलर्स इन योर फूड एंड फ्रूट्स ऑल्सो। सो आज जो वेजिटेबल्स का है मैंने ये आपके लिए सॉर्टेड किया है कि आपने बहुत सारे कलर्स, आप देख सकते हैं इसमें मैंने अलग अलग कलर की वेजिटेबल्स यूज की हैं अगर आप डाइट कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू मेक दिस बिकॉज इट्स वेरी क्विक एंड ईजी एंड यू विल गेट ऑल दिस वेजिटेबल्स। अगर ऑनलाइन मंगाते हैं, जैसे भी आप लेते हैं आपके घर में या फिर जो भी सब्जी अवेलेबल होती है, जस्ट चूज द कलर वाली वेजिटेबल्स अलग अलग कलर की एंड मेक दिस रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ईजी है, क्विक है और ये मैंने बनाया है जस्ट वन पॉट न्यूट्रिशन विद मैक्सिमम कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स वी कैन यूज। एंड वी हैव यूज ऑलिव्स एंड हैलपिनोज एंड कैबेज, मेनी थिंग्स आई हैव यूज, जस्ट गो थ्रू द रेसिपी एंड सी। तो उससे पहले जो है आपको ये करना पड़ेगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबानी पड़ेगी ताकि आपको जो मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन है फटाफट आप तक पहुंच सके। और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, अगर आपने बनाई है मेरी रेसिपीज तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने बनाई, आपको कैसी लगी। प्लीज राइट इन द कॉमेंट्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मेरा जो यूट्यूब चैनल है एकता होम फूड्स, मेरा फेसबुक पेज है एकता होम फूड्स, मेरा नॉर्मल जो एक फेसबुक अकाउंट है एकता शर्मा वो भी मेरे अकाउंट है, एक कुकीज कुकीज भी मेरा पेज है फेसबुक पे। सो आई कीप शेयरिंग माई वीडियोज एंड रेसिपीज ऑन माई फेसबुक अकाउंट ऑल्सो, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड ब्लस। लेकिन जो यूट्यूब चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, देयर इज नो मनी इन्वॉल्व इन दिस, इट्स टोटली फ्री। यू जस्ट हैव टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, वही बस आपको करना है ताकि आपको जो है बढ़िया बढ़िया रेसिपीज आपके तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं वन पॉट न्यूट्रिशन हम कैसे बनाएंगे बड़ी जल्दी से, बड़ी फास्ट और बहुत ही बढ़िया टेस्टी डिश। हेलो, वेलकम टू एकदम होम फूड्स। भाई ये सब चीजें आप देख रहे हो ना, मैं तो यूं ही जस्ट आपको एक ग्लास दे रही हूँ कि भाई घर में जब बहुत सारी सब्जियां होती है ना तो हमको चूज करनी होती है कि भाई आज क्या बनाए, प्लस बहुत ही न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो ये एक टिप छोटी छोटी सी मैं बता रही हूँ। भाई मटर अभी आ रहे हैं तो मटर मैंने जो है छील करके, सिंपली बस मटर छीले हैं और एक डब्बे में, एयरटाइट डब्बे में ढक्कन लगा करके ये फ्रीजर में मैंने रख दिए हैं। जब आपको चाहिए आप ये इस तरह से मटर रहते हैं, इसमें कोई बर्फ वैसे वाली नहीं जमती कि आप इसको निकाल ना सके, जस्ट इस तरह से रहते हैं। लीजिए मटर फ्रीजर में से, डब्बा निकालिए, डब्बा खोलिए, मटर लीजिए और यूज करिए। और ये मेथी है जो कि फ्रेश मेथी जो है फार्मेजान से आई है, फार्मेजान में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती हैं तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, अपना कुछ लैंड थोड़ा सा ले सकते हो, कुछ रेंटल होता है समथिंग समथिंग, यू कैन जस्ट गो ऑन टू द फार्मेजान ऐप एंड चेक आउट हाउ इट इज। एंड द मेथी आप जो देख रहे हो क्या फ्रेश, बहुत ही बढ़िया मेथी है। तो ये मेथी जो है कि जो है पत्ते जो मैं निकाल करके बिना धोए उसको फ्रिज में एक कपड़े में, गीले कपड़े में लपेट के रख देती हूँ तो वो 3-4 दिन रहते हैं आराम से। एंड आई कैन यूज इट, थोड़ी सी निकालो और यूज करो, ये भी मैंने वही किया, बाकी वापस कपड़े में लपेट के मैंने रख दी है बिना धोए। प्लस ये मशरूम्स मैंने लिए हैं, मशरूम्स आर वेरी हेल्दी फॉर डाइट, इसमें बहुत प्रोटीन्स होता है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका सूप बहुत अच्छा बनता है जिसकी की रेसिपी मेरे चैनल पे है मशरूम सूप की है। और मशरूम का एक कॉन्टिनेंटल काइंड ऑफ समथिंग एक अच्छा सा स्नैक है जो आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है, ब्रेड और मशरूम और चीज़ का मिक्स करके वो भी बहुत अच्छी एक स्नैक है। बाकी आप देख रहे हो रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम है, वेरी गुड फॉर हेल्थ, टोमेटोज है, ब्रोकली है, हरी मिर्ची है, बीन्स है, अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन बैंगन है, प्याज, अदरक, लहसुन, आलू, लौकी, नमक, मसाले, घी, घी तो ये रहा घी, और ये सूखे मसाले जावित्री, लौंग, ये सब थोड़ा थोड़ा रह गया है, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, ये जो है लाल मिर्ची, काली मिर्ची, ये सब जावित्री, इसके साथ थोड़ा जायफल भी अंदर एक रखा हुआ है, और ये सूखे मसाले हल्दी मिर्ची, धनिया, नमक, ये सब जीरा जो हमारा हमेशा यूज़ होता है। तो ये सब कुछ आइटम है जो हमारे फ्रिज में आपको मिलेंगे, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि हमने क्या यूज़ करना है। तो चलिए मैं भी इसमें से चूज़ करती हूँ थोड़ी चीज़ें। तो मैं लूँगी एक बेल पेपर ग्रीन एंड रेड, आई विल टेक दिस ग्रीन एंड रेड वाली। उसमें से मैं कैबेज भी लूँगी, ये सब मैं थोड़ी थोड़ी लूँगी, इसमें से थोड़े से मशरूम भी मैं ले लूँगी आज थोड़े से। तो हम क्या करेंगे कि एक सॉटेड काइंड ऑफ वेजिटेबल्स विल मेक, ये पूरी कैप्सिकम नहीं डालेंगे, आधी आधी लेंगे, थोड़ी ब्रोकली भी हम इसमें ले लेंगे और थोड़ी सी हम बीन्स भी ऐड करेंगे इसमें,
प्लस हम इसमें क्या लेंगे, हम टोमेटोज भी डाल सकते हैं इसमें जस्ट टू ऐड गुड न्यूट्रिशन टू द वेजिटेबल। एंड फिर हम लहसुन भी ज़रूर इसमें यूज़ करेंगे और एक प्याज भी जरूर यूज़ करेंगे, अगर आप नहीं खाते तो अवॉइड कर दीजिएगा। थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर भी इसमें हम लेंगे, इसको मैं थोड़ा यूज़ करूँगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या वेजिटेबल्स मैं ले रही हूँ। इन केस यू वांट यू कैन पुट सम मटर ऑल्सो, ये मटर भी हम इसमें ले लेंगे। अभी तो मैं डाल देती हूँ इनको, इन सब सब्जियों को धो धा के हम जो है यूज़ करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आई एम गोइंग टू यूज़। एंड इफ यू वांट टू टेक सम मेथी, यू कैन ऑल्सो ऐड सम मेथी टू इट, एंड हरा धनिया ऑल्सो, और बेसिल लीव इफ यू हैव यू कैन ऐड सम बेसिल लीव, एंड ऑफकोर्स थोड़ी सी ये हरी मिर्ची लंबी लंबी इफ यू लाइक, और नहीं तो भाई काली मिर्ची हम यूज कर सकते हैं, जो कि ये रही हमारी काली मिर्ची। इसको थोड़ा सा आप पीसे, हल्का सा उसमें दरदरा करें दौरे डंडे में और उसको यूज करें। सो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ, जो कि इसको तीखा भी करेगा और इट्स गुड बेनिफिशियल, जो होती है काली मिर्ची होती है काफी बेनिफिट होती है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होता है, तो ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो और इसमें ज्यादा चीजें हम यूज नहीं करेंगे, नमक भी हम थोड़ा ऑफकोर्स यूज करेंगे ही करेंगे, और थोड़ा सा घी यूज करेंगे या फिर बटर यूज करेंगे, तो क्योंकि घी और घी जो होता है इट्स अ गुड फैट, सो यू मस्ट इंक्लूड सम घी। लौकी को हम छोड़ देते हैं भाई, लौकी नहीं यूज करेंगे, बैंगन नहीं यूज करेंगे, इसकी हम अलग सब्जी बनाएंगे। तो चलिए अब इन सब्जियों को पहले सॉर्ट आउट करते हैं, बाकी को वापस फ्रिज में डाल देते हैं जो जो नहीं चाहिए आपको। ये चीजें जो है हम यूज करेंगे आज, और बढ़िया सी एक सॉर्टेड वेजिटेबल बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया यमी न्यूट्रिशियस एंड क्विक। ओके नाउ आई हैव सॉर्टेड कि मुझे कौन से वेजिटेबल्स चाहिए थी, मैंने आपको दिखाई, मैंने थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करी हैं, जैसे कि ये हेलपिनोस ग्रीन एंड ब्लैक, ये जो है अपने ऑलिव्स, वेरी हेल्दी फॉर हार्ट एंड एवरीथिंग, इट्स गुड टू कंज्यूम दीज काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब ऑलिव्स आर वेरी गुड। एंड ये जो है लहसुन का पेस्ट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, और आप ये जो फ्रेश गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी, उनको मैंने धोधा लिया, अभी कट नहीं किया है, जस्ट शोइंग यू द क्वांटिटी आई हैव यूज। ये थोड़ी सी मेथी जो हमने धो के काट ली है, ब्रोकली धो ली थी, और कैबेज है, गार्लिक है, गार्लिक पेस्ट, और गार्लिक लंबा लंबा कट करके, थोड़ा सा अदरक जिसको हम इस तरह से थोड़ा मोटा ग्रेट करेंगे या फिर छोटे छोटे काट लेंगे अगर आपको, लेकिन अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको बिल्कुल ग्रेटेड छोटे वाले से भी कर सकते हैं या पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और नहीं खाना तो अवॉइड भी कर सकते हैं। एक हरी मिर्ची ली है क्योंकि मैंने काली मिर्ची ली है, और साथ में ये थोड़े से मशरूम्स हैं आप देख सकते हैं, 6-7 5-6 मशरूम्स, एक प्याज मीडियम, आधी कैप्सिकम ग्रीन, आधी कैप्सिकम रेड, और टोमेटो एक आधा कर लिया, आधा आधा हमने कर लिया, इसको कट करेंगे अभी सारी सब्जियों को, और थोड़ी सी ये बीन्स हैं, और मटर है, नमक है, और ये घी है। तो ये सब सब्जियों को मैं फटाफट यूँ चुटकी बजाते कट कर लेती हूँ, आपकी चॉइस है आपको कैसे कट करना है, आप कट कर सकते हैं छोटा छोटा, लंबा लंबा, बड़ा बड़ा, एनी वे यू विश यू कैन जस्ट कट। अगर आपके पास थोड़े कॉर्न्स वगैरह है, बेबी कॉर्न, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी सब्जी आपको अच्छी लगती है, कैरेट हुई, इवन एनी थिंग इफ यू हैव इन द फ्रिज यू कैन जस्ट ऐड टू दीज वेजिटेबल्स। एक और टिप मैं आपको दूंगी, जब भी आप ब्रोकली या गोभी ऐसे काटते हैं तो हमेशा इस तरह से हाथ से इसको निकालिए, इसको चक्कू से काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हाथ से आप इसके जो हैं फ्लोरेट्स जो हैं आप अच्छे से इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, बस इस तरह से आपने इसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ साइज में कट कर लेना है। और ये देखिए लहसुन मैंने इस तरह से काटा, ये जो अदरक है मैंने छोटा छोटा बारीक कट कर लिया, बाकी चीज़ें भी मैं काट लेती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप बीन्स कट करते हैं उसको बीच में से स्लिट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इसके ना बीच में कीड़ा होता है जो हमें पता नहीं चलता, और उसके बाद इसको इस तरह से आपने रिक्वायर्ड आपने साइज में इसको आपने कट कर लेना, जैसे इस तरह से मैंने किया। देखिए पूरी पूरी बीन्स को मैंने हाफ बीच में से चीर दिया है और उसके बाद इस तरह से इसको कट किया है, इससे फ़ायदा ये भी होता है कि ये जल्दी कुक हो जाती है। और ये जो मशरूम्स हैं ये बिल्कुल छोटे साइज थे तो मैंने जस्ट इसको हाफ किया है, अगर आप बहुत ही छोटे बटन मशरूम्स यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको फुल ही छोड़ दीजिए, लेकिन ये थोड़े से बड़े थे तो मैंने इसको इस तरह से जो है हमने इसको हाफ ऑफ कर लिया, ज़्यादा नहीं छोटा किया है, क्योंकि जब ये कुक होने के बाद में और भी छोटे हो जाते हैं। और ये जो हरी और लाल कैप्सिकम है इसको इस तरह से इतने साइज में कट करके हमने इस तरह इसको लंबा लंबा इस तरह से कट कर लेना है। ये टमाटर भी हमने लंबे लंबे कट कर लिए, आपको जैसे पसंद हो आप इसको कट कर सकते हैं, थोड़े मोटे मोटे या फिर छोटे छोटे या गोल गोल, जैसे भी आप इसको कट कर सकते हैं। ये बंद गोभी आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से काटी है, इस तरह से इसके चंक्स कर लिए और ये फिर अपने आप ही खुल जाती है, तो इस तरह से इसके पीसेस हो जाएंगे। सो नाउ वी आर ऑल सेट विद द कट वेजिटेबल्स। ये देखिए सॉटे करने के लिए मेथी अपनी, हैलपिनोस, ऑलिव्स और मटर, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, बीन्स,
और रेड कैप्सिकम, ब्रोकली, कैबेज, टोमेटोज और हरी वाली कैप्सिकम और मशरूम्स, और ये जो है घी अपना। सो पैन ऑन करते हैं अपना। एक पैन ले लीजिए, बड़ा सा पैन ले लीजिए, वोक टाइप कुछ ले लीजिए, जो स्विच इट ऑन। और इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम 2 टीस्पून जो है डालेंगे घी। यू कैन इवन यूज़ बटर, बट आई ऑलवेज प्रिफर टू हैव घी। तो हमने घी इसमें डाल दिया। और सबसे पहले हमने इसमें डालने ना अपना लहसुन। इसमें मैंने देख रहे हैं आप कोई जीरा वगैरह सब यूज़ नहीं किया, थोड़ी सी डिफरेंट बनाएंगे। हर दिन जीरा वगैरह ही यूज़ करते हैं तो कुछ कभी डिफरेंट भी हो जाए। तो अदरक और लहसुन और ये हरी मिर्ची पहले हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे। जब आपको इसकी थोड़ी महक आ जाए कुक होने की, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की, इसकी जो अरोमा आती है ना, दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या अच्छा सा बन रहा है घर में। लाइक चिल्ड्रन विल कम इन, आज मम्मी क्या बना रही हो, ये जो जैसे ही इसकी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की जो आती है खुशबू जब घर में। एक साइड में ना इसमें प्याज डाल देती हूँ। जब तक हमारे लहसुन अदरक और हरी मिर्ची कुक होंगे तब तक साइड में मैं प्याज डालूंगी, इसको मिक्स नहीं करूंगी। लेट दिस गार्लिक जिंजर एंड ग्रीन चिलीज शो देयर मैजिक। यस, आई कैन स्मेल सो गुड नाउ। नाउ विल ऐड दिस अनियन ऑल्सो। इसमें हमने प्याज भी मिला देने हैं। प्याज को जो है ज़रा आपने 1-2 मिनट तक जो है इनको थोड़ा सा आप कुक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमको, बस 1.5 से 2 मिनट तक आप इनको कुक करिए। फिर हम बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा कुकिंग करने की हमको ज़रूरत नहीं है। ये सॉटे वेजिटेबल्स टाइप है तो थोड़ी सी कच्ची पकी भी चलती है इसमें, टू हैव बेनिफिट्स ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स। इसमें ना मैं मेथी डाल देती हूँ ताकि मेथी का जो है कड़वापन चला जाएगा अगर मेथी थोड़ी ज़्यादा कुक हो जाएगी साथ साथ में दूसरे वेजिटेबल्स के भी। तो जैसे ही हमने मेथी डाली है, इसके बाद आपको जो लगता है कि जल्दी कुक नहीं होती है चीज़, जैसे कि हमारी ये बीन्स है, इट टेक्स अ लिटल लॉन्गर, तो हमने बीन्स पहले डाल देंगी। बाकी सब्जियां जो है आप देख सकते हो कि दे कैन कुक वेरी फास्ट। बाकी ये जो चीज़ें आप देखते हो ये जल्दी पक जाती हैं। ये बीन्स हमने पहले डाल दी है ताकि बीन्स डाल के भी हम 1-1.5 मिनट जो है इनको पकाएंगे। और गैस आपने बिल्कुल धीरे नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है धीरे करोगे तो आप पानी छोड़ देंगे वेजिटेबल्स, तो इसलिए थोड़ा मीडियम से थोड़ा हाई भी रखिए। और जो बर्तन है थोड़ा चौड़ा होगा तो अच्छा होगा, नीचे गहरा ना रहे ताकि नीचे जो है पानी उसमें ठंड लग जाता है। तो चौड़े बर्तन में ही ये ज़्यादा अच्छा बनती है ये वाली वेजिटेबल। तो 1 मिनट हम इसको बीन्स को सॉटे कर लेते हैं इनके साथ में। अभी हमने कुछ भी इसमें डाला नहीं है, क्योंकि हमने वैसे भी कोई मसाले लिए नहीं है, हमने बस ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालना है इसमें। बाकी सब्जियों का अपना फ्लेवर है, और लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची का फ्लेवर है। बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज ऐड सम सॉस टू दिस, सोया सॉस, थोड़ा विनीगर, थोड़ा टोमेटो सॉस अगर आपको पसंद है। नहीं तो सादी खानी है और इस तरह से खानी तो आप इस तरह से बनाएंगे। ये अब भी उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी ब्रोकली डाल देंगे, और एक एक सब्जी डालते जाएँ और इसको 1 मिनट तक थोड़ा चलाते जाएँ। बस यही इसका लॉजिक है भाई, एक सब्जी डालो 1 मिनट चलाओ, एक सब्जी डालो 1 मिनट चलाओ। बस शुरू वहाँ से करें, जो भी सब्जियाँ देर लगती है कुक होने में उसको पहले डालें, और जो सबसे जल्दी हो जाती है उसको आप सबसे लास्ट में डालें। जैसे कि कैप्सिकम यू कैन ऑलवेज ऐड लेटर, एंड इवन कैबेज, मशरूम भी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, जस्ट 1 मिनट मशरूम को भी चाहिए होगा। तो हम अब इसमें जो है अपनी कैबेज भी डाल देते हैं, साथ ही डाल ही देते हैं अभी, क्योंकि हमने शॉर्टकट भी डालना है ना रेसिपी, तो हमारी शॉर्टकट भी होनी चाहिए। तो हमने सारी चीज़ें अब एक साथ इसमें डाल ही देते हैं, वरना आप 1-1 मिनट का गैप दे के भी डाल सकते हैं। जस्ट एड इट ऑल दिस एंड जस्ट मिक्स इट। अभी मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, आई विल जस्ट ऐड सॉल्ट आफ्टर सम टाइम। इसको जस्ट आप तेज गैस पे मिक्स करते जाइए, ज़रा सी बैठ जाए, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, तभी आप नमक डालें। कहीं ऐसा ना हो कि अंदाज ना रहे नमक का, और नमक आप डाल दें तो ज़्यादा। इसी में हम टमेटोज भी अब डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो टमेटो को गैस पर भून के उसका छिलका निकाल के उसको छोटा छोटा कट करके भी ऐड कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। साथ ही अब मैं इसमें अपने ऑलिव्स और हैलेपिनोज को थोड़ा कट कर लेती हूँ। ये मटर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बस चलाते रहिए इसको, आपने छोड़ना नहीं है, नीचे लगनी नहीं चाहिए सब्जी। ये हैलेपिनोज कट करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। नाउ आई विल ऐड सम सॉल्ट टू दिस। डोंट ऐड टू मच ऑफ सॉल्ट,
क्योंकि हमने ये सॉल्टेड वेजिटेबल्स खाने, इसमें ज़्यादा नमक भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक माइल्ड सॉल्ट इन दिस, बिकॉज इसको आप यूँ ही कच्ची भी खा सकते हैं। तो अगर रोटी वोटी के साथ कोई सब्जी खाते हैं तो थोड़ा नमक ज़्यादा चलता है, बट इफ़ यू वॉन्ट हैव इट जस्ट लाइक दैट एज अ स्नैक एंड एज ब्रेकफास्ट और डिनर और विथ सूप, एड वेरी लिटिल ऑफ सॉल्ट एंड नाउ आई एड सम पेपर टू दिस। हमने ये हरी मिर्ची भी डाली है, तो उस हिसाब से आप पेपर डालें। अगर हरी मिर्ची नहीं डालना चाहते तो जस्ट अवॉइड हरी मिर्ची, ज़रूरत नहीं है, आप खाली पेपर डालें या तो पिसा पाउडर डालें या तो थोड़ा क्रश करके पेपर को डालें, दैट गिव्स एन अमेजिंग टेस्ट अगर आप क्रश करके डालते हैं। वैसे मैं घर में ही पीस के रखती हूँ, थोड़ी सी जर्जरी भी रखती हूँ, थोड़ी सी पाउडर भी रखती हूँ, और फ्रेश जो बिल्कुल होल वाली पेपर होती है वो रखी, आप उसको ज़रा सा डॉली डंडे में या चकले बेलने के क्रश कीजिए और उसको इस तरह से डालिए, या फिर फ्रेशली ग्राउंड जो उसका मिलता है ग्राइंडर, उसमें से भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये सब्जियाँ हमारी थोड़ी सॉफ्ट होने शुरू हो गई, और इसको हम चलाते रहेंगे तेज गैस पर, छोड़ेंगे नहीं इस तरीके से। तो मे बी अराउंड 5 मिनट्स हम इसको अभी तेज़ गैस पे, मीडियम से हाई के बीच में कहीं आप गैस रखिए, ताकि जले भी नहीं, एट द सेम टाइम इट शुड गेट कुक्ड ऑल्सो। आप इसको इस तरह से चलाते रहिए, मैं भी जरा इसको 5 मिनट चलाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। वाइल दीज वेजिटेबल्स आर कुकिंग आई विल शो यू हाउ टू प्लेट देम। आई हैव सम लेटस लीव्स, बहुत ही फ्रेश सी लेटस लीव्स है, उनको आप अच्छे पानी से धो लीजिए और फिर इस बोल में जो है इसको आप साइड में अरेंज कर लीजिए। मैं दिखाती हूँ कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। मीनवाइल इसको भी आप देखते रहिए, छोड़िए मत। वन स्मॉल टिप आई विल शेयर विद यू, जब आप लेटस लीव को पानी में डाल के रखते हैं, तो कि ये पीने वाला पानी मैंने यूज़ किया है, जस्ट ऐड सम आइस क्यूब टू दिस सो दैट द क्रंच ऑफ दिस लेटस इज़ नॉट गॉन। तो ठंडे पानी में जो है इसका क्रंच बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस तरह से ठंडे पानी में इसको आप आइस वाले पानी में रखिए, जब तक आपको इसको यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने इसको डाल दी है, जब तक मेरी वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं ऑलमोस्ट। So I will just switch off the gas now, and it is done. See what nice color, and it is actually looking so nutritious. मतलब है भी nutritious खाने में और देखने में भी बहुत interesting है. As it is always said that you must always include lot of colors in your food in a day. So at least 5 to 6 colors आपको खाने ही चाहिए. तो you can at least see few colors in this, green, red, yellow. एंड ऑल द कलर्स यू कैन सी वाइट, काफ़ी सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं, तो हमने ज़्यादातर कलर्स यूज़ कर लिए हैं। तो हमने हेल्दी जो है आज डिश बनाई है आपके लिए, वन पॉट डिश बनाई है, वन पॉट न्यूट्रिशन जस्ट फॉर यू। सो लेट मी पुट इट इन अ सर्विंग बोल नाउ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने चारों तरफ ये फ्रेश वाली लेटस लीव्स लगा दी हैं। कुछ और भी हमारे पास हैं जो कि हम सब्जी इसके ऊपर जो हमारी वन पॉट न्यूट्रिशन है डाल के साइड साइड से इन लीव्स को भी लगा देंगे। सो लेट मी शिफ्ट दीज वेजिटेबल्स टू द सर्विंग बोल। तो ये देखिए मैंने इसको सर्विंग डिश में डाल दिया है, इट्स लुकिंग सो अमेजिंग। तो जो बची हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेटस लीफ, वो भी आप साइड साइड से इनको एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इट्स लुक्स वेरी अमेजिंग। एंड ये जो है इसका लुक ही इतना फ्रेश है कि यू विल जस्ट लव टू ईट दिस, यू जस्ट वुड लाइक टू ईट इट, और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे बिकॉज ये ऑलिव्स वगैरह इसमें है। सो बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद होती है, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन पिज्ज़ा, सो चिल्ड्रन ऑलवेज टेन टू लव दोज थिंग्स, कि जिसको जो पिज्ज़ा में यूज़ होती है चीज़ें, अगर आपने उनको घर में किसी डिश में डाली है ना, दे जस्ट लव टू ईट दैट। सो ये जो है डिश आप भी ज़रूर बनाइए और मेरे को बताइए कि कैसी लगी आपको। ये जो जितनी क्वान्टिटी मैंने आपको बताई है ना, इसमें आप बड़े आराम से 4 जने इसको बड़े आराम से पेट भर के एक साइड डिश की तरह खा सकते हैं, या स्नैक्स में खा सकते हैं, चाय के साथ या सूप के साथ। इवन यू कैन जस्ट ऐड सम गार्लिक ब्रेड टू दिस, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर डाल के भी आप इसको बना सकते हैं। यू कैन जस्ट ऐड मोर ऑफ पनीर टू जस्ट ऐड प्रोटीन्स टू दिस डिश। तो चलिए जरूर बनाइए ये डिश और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी, और आपके परिवार को कैसी लगी, बच्चों को कैसी लगी, अगर आपने फ्रेंड्स को खिलाई तो कैसी लगी। पर उससे पहले जो है मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर और जरूर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो सी यू सून विद सम अदर इंटरेस्टिंग रेसिपी, एंड इट्स ऑल्सो अ डाइट रेसिपी, डू ट्राई इफ यू आर वे ट्राइंग टू रिड्यूस वेट, इट्स अ वेरी हेल्दी डाइट, वेरी एप्ट फॉर द पीपल हु आर डाइटिंग एंड वॉन्ट टू हैव अमेजिंग हेल्दी न्यूट्रिशियस एंड एज वेल एज टेस्टी फूड। तो चलिए मिलते हैं जल्दी कुछ और अच्छी रेसिपी के साथ में।